सरकार का सर्वे खुद कह रहा है कि 25% घटी है, तो या तो सरकार का सर्वे गलत आंकड़ा बता रहा है या निर्मला जी ने भ्रमित करने का काम किया, क्योंकि गांव में लोग साबुन तेल मंजन नहीं खरीद पा रहे हैं और आप लग्जरी विलाओं को बेच रहे हैं। आप न्यूज़पेपर ऐड की कटिंग लेकर आ जाइए शोपर और कहिए अमिताभ बच्चन 7 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, तो वो थोड़ी कंजम्पशन है, उससे थोड़ी लोगों का भला होगा। आंकड़े ये है कि पिछले 4 साल में 3.8% ग्रोथ रेट है आपकी औसतन, ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं, ये तो आरबीआई देता है ना कोई, मैं अपने घर से थोड़ी बना के आप सवेरे उठी तो चाय पकाने के बजाय डेटा पका लिया, आप लोग की थोड़े डेटा पचिंग का काम करती हूं। आप हमेशा अमीरों के टैक्स क्यों कम करते हैं, आप क्यों नहीं जीएसटी के कम करते हैं? सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दें, कश्ती संभाल के आ रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण कृषि का बजट क्यों काट रहे हैं? अभी डिस्कशन होगा बजट, झूठ बोलते जाएंगे, झूठ बताते जाएंगे। माना जी आप एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं बोल रही हूँ सरकार का पीएलएफएस ये कह रहा है, सरकार की वित्त मंत्री ये कह रही है, प्रिविलेज मोशन हम ले आए, आप क्या करिएगा और ये क्या करेंगे? अगर रोज आप सिंपल सी बात बताइए, रोजगार बढ़ रहा है, कंजम्पशन सब ठीक है, चकाचक इकोनॉमी है, बढ़िया सब चल रहा है, तो भाई एचयूएल अपना साबुन तेल कंघी मंजन क्यों नहीं बेच पा रहा है? अगर आंकड़ा है तो बात करिए, मुझे आंकड़ा नहीं है तो जबरदस्ती मत लजिए, आप बिल्कुल ऐसे शोर नहीं कर सकती है। मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भारत का बजट है और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये विदाई का बजट है। किसकी विदाई का बजट? सुप्रिया जी आपके शो का नाम है गारंटी वाला बजट। 2024 वित्तीय वर्ष के बजट में कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज कल्याण के लिए कुछ बजट रखा गया था। जब वर्ष अंत होने पर आया तो दिख रहा है, और ये आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं, ये इनके ही बजट एट ग्लांस के आंकड़े हैं, कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण पे जो बजट था उससे भी कम खर्च किया गया है, और अगले वर्ष के लिए मतलब वित्तीय वर्ष 25 के लिए रक्षा के बजट पर जितना खर्च हुआ उससे घटाया गया, फूड सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है और फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है। वित्त मंत्री ने एक बड़ी रोचक बात कही, और जब उन्होंने वो कहा तो मैं सच बताऊं बिल्कुल चौंक गई, मैंने कहा ये क्या बोला, ये कैसे मिस हो गया। उन्होंने कहा एवरेज आय जो है वो 50% बढ़ गई है। भाई किसकी बढ़ी है, कहां बढ़ी है? और पीएलएफएस डेटा तो सरकार का ही सर्वे है, सरकार का सर्वे खुद कह रहा है कि 25% घटी है, तो या तो सरकार का सर्वे गलत आंकड़ा बता रहा है या निर्मला जी ने भ्रमित करने का काम किया। जवाब देते हैं। एक चीज मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी आज के बजट में, सब निर्मला जी ने जवाब दिया, छोटी सी बात है, इन लोगों को अच्छा लगेगा सुनकर, निर्मला जी ने चेस ग्रैंड मास्टर का नाम लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, हो सकता है अगली बार हॉकी का भी नाम ले लें, हो सकता है उनके ट्रेन किए वो लोग, मुझे नहीं पता। मैं एक महिला होने के नाते सोच रही थी काश उन्होंने इस देश की होनहार कुश्ती लड़ने वाली पहलवान बेटियों का भी नाम लिया होता, अगर लिया होता तो मुझे फक्र होता। पर जिस तरह का ये बजट बना है, जिस तरह से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण की उपेक्षा हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये सीरियसनेस भी है। जो डॉक्टर है वो आपका रोग मानने को तैयार नहीं, रोग का समाधान कैसे करेगा? ठीक, प्रिया जी ने कहा है, वो कह रही है ये ताली बजा सकते हैं, एक ऐसा बजट है एक ऐसा बजट है जिससे ना तो खपत बढ़ने वाली है, ना उद्योग को कुछ मिल रहा है, ना कृषि को कुछ मिल रहा है, ना रोजगार बढ़ने वाला है, मतलब उन्हें कुछ भी इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा। सारी बातों का उत्तर देता हूं, पहले मैं कहता हूं अगर देश में खेल के लिए वातावरण अच्छा नहीं होता तो एशियन गेम्स में हमारी टैली 100 के ऊपर पार नहीं करती। ये प्रमाण है इस बात का कि खेल के लिए एक अनुकूल वातावरण है। अब आते हैं बजट पे, देखिए क्या है, हमारा पिछले कई बजट से सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है वो कैपिटल आउटले के ऊपर है। कैपिटल आउटले क्या होता है कि आपकी मूलभूत ताकत को बढ़ाता है। इन लोगों का कहना रहता है कि एक्सपेंडिचर के लिए हाथ में दे दीजिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि गांव में यदि किसी व्यक्ति को, किसान के हाथ में पैसा दे दीजिए, एक है कि बिजली, सड़क, पानी, डाटा, हर चीज अवेलेबल करा दीजिए। दूसरा उदाहरण देता हूं, बच्चे को जेब खर्च दीजिए या स्कॉलरशिप दीजिए। स्कॉलरशिप देंगे तो वो तुरंत उसे नहीं लगेगा कि मेरे हाथ में, मेरे स्कॉलरशिप इस बात के लिए प्रेरणा देगी कि पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद मिलेगा तो आगे जाके उसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगी। इसीलिए हम कहां से कहां इकोनॉमी लेके आए, कोई भी जाके चेक कर सकता है कि जब हमारी सरकार आई तो 9.4% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी, आज कोविड और दुनिया में लड़ाइयों के बाद भी 5.5% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। एक चलिए वो अर्थव्यवस्था हम कितने में पहुंचे वो अलग बात, अगर हम उस समय देखें तो हम थर्ड लार्जेस्ट हैं। ऑटोमोबाइल आप कह रहे हैं खर्च नहीं हो पा रहा, अगर इकोनॉमी लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है तो अभी पिछले साल 41 लाख लोगों ने 4-व्हीलर खरीदे, कहां से खरीद लिए, मतलब आप आमदनी घट गई और खरीद लिए, थोड़ा बात अजीब नहीं लगती है? ये जो मकान खरीदे गए साधारण मकान जो 1 करोड़ से नीचे के होते हैं वो 24% बढ़ोतरी हुई है, जो लग्जरी मकान जो 1.5 करोड़ या उससे ऊपर के होते हैं उनमें 31% की हुई है। तो मतलब आमदनी नहीं बढ़ी मगर मकान खरीद लिए लोगों ने। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रही, इसलिए मोदी जी जिस गंभीरता के साथ इन विपरीत परिस्थितियों में देश को आगे ले जा रहे हैं, देश उसी विश्वास के साथ उनके साथ खड़ा है। वाह बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। तो सर आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार ये कह रही है कि सही दिशा में हम सही निर्णय ले रहे हैं, अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने के लिए जो कांग्रेस की नीति रही है 2019 वाला जो न्याय योजना के तहत आप लोग कहते थे कि सीधा पैसा पहुंचाइए आम आदमी के हाथ में,
जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो कह रहे नहीं हमारी ये नीति नहीं है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए ही देश को आगे लेकर जा रहे हैं और वो अपनी लकीर खींच रहे हैं, कह रहे हैं आप देख लीजिए हमारा। मुझे लगता है सुधांशु जी ने ही आपके सवाल का जवाब दे दिया था जब उन्होंने कहा कि बच्चे को पॉकेट खर्च दीजिएगा या स्कॉलरशिप दीजिएगा। देश का किसान बच्चा है, देश के युवा जो सड़कों पर है वो बच्चे हैं, देश के जिन लोगों के पास आज रोजगार नहीं है वो बच्चे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्य को तो स्वीकारिए। आज इस सरकार के अनुसार देश में सबके पास नौकरी है, संपन्नता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुधांशु जी ने दो चीजों का नाम लिया, एक उन्होंने कहा लग्जरी घर इतने हो रहे हैं, बिक रहे हैं, कहां दिक्कतें हैं। सूट बूट की सरकार, इनको ऐसे ही थोड़ी कहा गया है। FMCG जो भी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था का मानक जानता है या समझता है, साबुन, कंघी, तेल, मंजन, ये जो बिस्किट, ये जो छोटी चीजें होती है, ये यार्डस्टिक, इसको बेलवेदर ऑफ इकोनॉमिक कंजम्पशन कहा जाता है। कंजम्पशन मतलब उपभोग, जो हमारी इकोनॉमी का 60% हिस्सा है, 60% वी आर कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। डेटा के बाद डेटा, और सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है 7.5% कंजम्पशन ग्रोथ 2 साल पहले थी, अब वो 4% से नीचे है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गांव में लोग साबुन, तेल, मंजन नहीं खरीद पा रहे हैं और आप लग्जरी विलाउन को बेच रहे हैं। आप न्यूज़पेपर ऐड की कटिंग लेकर आ जाइए शो पर और कहिए अमिताभ बच्चन 7 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, तो वो थोड़ी कंजम्पशन है, उससे थोड़ी लोगों का भला होगा। असलियत यह है कि आप ही की बात में विरोधाभास है। हमारी खाद्य सुरक्षा योजना को आपने बढ़ाया, अच्छी चीज करी, अगर आज की तारीख में मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ को फ्री का राशन ना दीजिए तो लोग भुखमरी से मर जाएंगे, ये असलियत है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने और रखती हूँ, ये रखना जरूरी है। पहले कैपिटल मैं बिल्कुल आ रही हूँ, आना जरूरी है। और चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जवाब दे देते। नहीं नहीं, से ले लेती हूँ, आपने अपनी बात रही, मैं उनको उनकी बात पर एक सवाल उठा देती हूँ, फिर आप ले लीजिए। अच्छा, इकोनॉमी के चार पहिए होते हैं, एनी इकोनॉमी हैज चार पहिए होते हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स। तीन पहिए ठप है इस इकोनॉमी के। आप जबरदस्ती कहिए जी हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आपने तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करिएगा। आपने कॉर्पोरेट टैक्स काट के 22% पर ले आए, आप 33% दे रही है। जो देश का सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमी वो आटा और दही पर एक जैसा टैक्स दे रहा है। लेकिन जो असलियत है, आपने ये सब करा, आपने कहा प्राइवेट सेक्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, नौकरियां बनेंगी। ना प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो मानक होता है इन्वेस्टमेंट का वो अभी 2014 के लेवल पर है। तो आपके ये जो सारे काम है ये अमीरों के लिए क्यों होते हैं? ठीक है, आम आदमी के लिए आपने क्यों नहीं काट दिया? मेरा सवाल बिल्कुल यही था जो उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था के उन्होंने चार चक्के कहे, मैं चार इंजन के रूप में अगर इनको कहूं, हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। ऐसे में आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर यहाँ पर साल दर साल सरकार की तरफ से आंकड़ा बढ़ाया जा रहा है और इसको लेकर सरकार पीठ थपथपा रही है, क्या ये जरूरी है? ये सरकार की मजबूरी बन गई है कि जिस तरीके का पुश चाह रहे हैं मिल जाएगा तो मिला नहीं। कहा मैं उसका एग्जांपल ये देने का मतलब था कि हमने लोन दिए, ये नहीं कहा। जैसे उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन है, एवरेज 78,000 रुपए के हैं, ठीक है साहब, आप किसी गरीब को 1 लाख रुपए दे दीजिए, कुछ दिन में खर्च कर देगा। लोन होगा तो वो प्रोडक्टिव यूज होगा, कोई ना कोई यूज करेगा और उसके बाद वापस लेगा। इन्होंने कितनी मजेदार बात कही, बात तो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की हो रही है। कैपिटल बता रहा हूं, एक तरफ कह रहे हैं साहब 4% कम हो गया, मतलब गांव में इतनी बुरी स्थिति हो गई कि अब साबुन और तेल खरीदने के पैसे नहीं रहे। कितने परिवार है भारत में? 28 करोड़। 80 करोड़ लोगों को परमानेंट अनाज मिल रहा है, यानी हर परिवार के लगभग गरीब परिवार के 3 लोगों को मिल रहा है, है? उसके बाद उनके पास साबुन खरीदने का पैसा नहीं बचा है। तो कभी कभी जब तर्क देने का आंकड़े देने का प्रयास करें, भूख से मर जाएंगे सुभाष जी। जिसको आप फ्री का राशन कह रहे हैं, वो वास्तविकता में जानते क्या है? वो परिस्थिति ये थी कि कोविड के टाइम में सप्लाई लाइन खत्म हो गई थी। अगर आपको पैसा दे भी दिया जाता तो आपके मोहल्ले में या आपके कॉलोनी वाले किसी भी ग्रोसरी स्टोर के पास क्या इतना था कि वो आपको सप्लाई कर सके? कुछ भी। देखिए, हमारी सोच इकोनॉमी में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है और राजनीति में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है। जैसे हमारी सरकार आने के बाद ही आपने कहा ना, लाभार्थी एक नया वर्ग क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने कहा पहले गरीब को एम्पावर करेंगे, पहले DBT करेंगे, जिसमें से हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाए, 2 करोड़ से ऐसे फर्जी लोग गायब हुए, हमने उसको स्ट्रेंथन किया, फिर वो हमारा समर्थक बना। ये पुराने वाले में पड़े हैं जेब खर्च वाले पे, ये जात ले लो, इसका काउंटिंग करा दो, उसकी कर दो, कास्ट ये वो फलाना। तो इनकी राजनीति भी उसी पे है कि एक्सपेंडिचर बेस, शॉर्ट टर्म गेन देखो, आगे का किसको देखना है। हमारी इकोनॉमी भी है शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म देखिए। इसीलिए हम 10 साल में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए G7 और G20 कंट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाली है। अच्छा, ये डाटा भारत सरकार का नहीं है, ये IMF का है, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं। तो मुझे लगता है उसके ऊपर ये बिल्कुल, ये आंकड़ा जो है, और वाकई में दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कोई ब्राइट स्पॉट बना हुआ है तो वो हिंदुस्तान है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
सर लेकिन सवाल ये कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हमें क्यों देना पड़ रहा है, और सवाल ये कि क्या ये जो रिकवरी हो रही है जिसका जिक्र अभी गाड़ियों की बिक्री और घरों की बिक्री को लेकर कहा गया, तो वो कोरोना के बाद से जिस बात का जिक्र हम और आप करते थे कि साहब ये रिकवरी वी शेप हो रही है या के शेप हो रही है, तो ये कहां फंसे हुए हैं? जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं कितनी अतार्किक बात करते हैं जी। अगर किसी ने मकान बनाया तो भाई मकान खरीदने वाले की इनकम नहीं बढ़ी, बनाने वाला भी तो कोई होगा, जॉब नहीं क्रिएट हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। तो मतलब महिला किसान युवा गरीब सबका कल्याण, यही है गारंटी वाला बजट। सुप्रिया जी सबका कल्याण हो रहा है और अर्थव्यवस्था मात्र 4% पे बढ़ रही है औसतन 4 साल की, ऐसा क्यों है? ऐसे ना करिए सुधांशु जी, अगर आंकड़े समझते तो मैं आपको बताती। आंकड़े ये हैं कि पिछले 4 साल में 3.8% ग्रोथ रेट है आपकी औसतन। ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं, आरबीआई के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, इधर उधर के आंकड़े लेकर नहीं आई हूं। देखिए ऐसा है, बोलते बोलते बहुत बोल गए, बोलते बोलते बोले हम लाभार्थी की एक कैटेगरी बना रहे हैं, कृष्ण करे तो लीला हम करें तो पाप, दूसरा आदमी करे तो वो रेवड़ी बांट रहा है, हम रबड़ी अपने मित्रों को बांटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभार्थी हम बुलाएंगे और रबड़ी खिलाएंगे अपने मित्रों को। मैंने आपसे कहा ना विरोधाभास है, विरोधाभास क्यों है फिर से याद दिलाती हूं। विरोधाभास इसलिए, लग्जरी विला बन रहे हैं वो बिक रहे हैं, अच्छी बात है। आपने इस देश के करीब 3% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, आपने पिछली बार इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया, कुछ लोगों को जरूर राहत मिली। इस देश का औसतन आदमी जीएसटी देता है, और इस क्राउड के लिए आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं 50% जीएसटी, 50% लोग जो नीचे के तबके के हैं वो 64% जीएसटी दे रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, मतलब देश के सबसे अमीर आदमी जो नरीमन पॉइंट पर बड़ी सी कोठी में रहते हैं और यहां पर पुरानी दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला भी एक लेवल ऑफ जीएसटी दे रहा है, ये आर्थिक असमानता है जिस आईएमएफ को बार बार कोट करते हैं, तो पूरा कोट किया करिए। आईएमएफ ने क्या कहा है, इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग, लेकिन उसको ये नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आज वित्त मंत्री ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज करी, और वो डेटा मैं लेकर आई हूं, आपके एक कंपेटिटर ने चलाया था, उनका नाम नहीं लूंगी जी, लेकिन ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा ये लेकर चलती हूं। वित्त मंत्री का एक वर्ड क्लाउड सर्वे आया, उन्होंने किन शब्दों का कितना प्रयोग किया, ठीक है, प्रधानमंत्री 42 बार बोला, टैक्स 42 बार बोला, गवर्नमेंट 26 बार बोला, भारत 24 बार बोला, अच्छा था, फार्मर 15 बार बोला, जीएसटी 11 बार बोला, मछली भी 4 बार बोल दिया, लक्षद्वीप भी बोल दिया, वंदे भारत भी बोल दिया, 2 शब्द सुनाई नहीं दिए, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट एक बार भी नहीं बोला। आज की स्थिति में ये जो युवा आपके सामने बैठे हैं इनकी क्या प्राथमिकता है, आप हाथ उठवा कर देख लीजिए, इनकी क्या प्राथमिकता है? इनकी प्राथमिकता है कि नौकरी बने, और नौकरी बनना कोई इनकी भलाई नहीं है, नौकरी बनना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, इट्स अ वर्चुअस साइकिल। अगर आपकी नौकरी होगी तो आप ज्यादा खर्चा करेंगे, उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो कंपनियां निवेश करेंगी, निवेश करेंगी ज्यादा लोगों को। पिछली बार के मुकाबले 11% कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ है, 11.11 लाख करोड़ इस बार सरकार खर्च कर रही है, वो इतना पैसा खर्च करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएगी, रोजगार नहीं बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता कि सुधांशु जी से राय लेकर किया गया, क्योंकि सुधांशु जी थोड़ी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, लेकिन जो 11.11.11.11 का फिगर एक आया तो मुझे लगा हो सकता है सुधांशु जी से राय लेके किया गया हो, वो फिगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, और वो फिगर सरकार की नाकामी दिखाता है, इसलिए दिखाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया इसलिए गया था कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर होने लगे। जो सीईओ आप सबके चैनल पर सीआईआई से फिक्की से जो सीईओ आके कहते हैं 10 on 10 on budget, वो यहां पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कैपिटल यूटिलाइजेशन 70% पर है, क्यों इन्वेस्टमेंट 29% ऑफ जीडीपी भी नहीं पहुंच पा रहा है, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट पुटिंग मनी वेयर देयर माउथ इज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ, और सिर्फ हमारे डोमेस्टिक वाले नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडीआई जिसका खूब सीना ठोकते थे ये लोग 3 साल से गिर रहा है, और अभी 16 साल के सबसे निचले स्तर पर एफडीआई है। सवाल पूछिए किस आधार पे बोलते हैं एफडीआई ऑल टाइम हाई है, $70 billion का एफडीआई इस साल है, $46 billion का, इसलिए मैं कह रहा हूं 3.2% की कहां ग्रोथ रेट है भारत में भाई, व्हाट इज द सोर्स, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस समय 3.2% है, जो कोविड के बाद के दौर में सबसे कम पे आ गया। हम ये नहीं कह रहे बहुत शानदार स्थिति हो गई, कोविड के बाद स्थितियां नियंत्रण में आनी शुरू हुई हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं। अब एक और बात कहता हूं, इन्होंने कहा बड़े लोग खर्च करते हैं, अभी दीपावली और छठ का डाटा आया, 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, तो दीपावली सिर्फ अमीर आदमी मनाता है, अरे उसमें उनको भी मिला जिन्होंने दिया बनाया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं सोर्सेस के साथ कोट करिए, फैक्चुअल बात करिए, और उस जगह की बात करिए जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हैं, गवर्नमेंट का डाटा लीजिए या इंटरनेशनल एजेंसीज का डाटा लीजिए। कि जब आप लोग महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं
तो यहाँ सुधांशु जी ने जो बेरोजगारी वाला 3.2 वाला आंकड़ा दिया, महंगाई को लेकर जो सरकार की वाला कौन सा आंकड़ा दिया, अभी जो सुधांशु जी ने आंकड़ा दिया है वो उसका सोर्स के साथ आपको बता देंगे, और सरकार की तरफ से जो अपने 10 साल और पिछली यूपीए सरकार के 10 साल के टाइम पर की यूपीए के जमाने में वो 8% का एवरेज और हमारे 10 साल में 5% का एवरेज। तो फिर आम आदमी ये भी तो सोचता है ना कि ये जो सरकार है इसमें आप कोरोना जैसी महामारी को भी काउंटेंट करेंगे, इसमें आप दो वैश्विक युद्ध की स्थिति जिससे दुनिया जूझ रही है उसको भी काउंटेंट करेंगे। अब मैं बोलूं जी, आंकड़ों पर ना चैलेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि 25 साल यही बजट का काम किया है। सुधांशु जी ने कहा IMF का आंकड़ा, अरे अपनी सरकार के आंकड़े को तो मानते हैं, भारत सरकार के आंकड़े को मानते हैं ना, हाँ या ना? अगर भारत सरकार के आंकड़े का 2-4 आंकड़े बता दे रही हूँ, मैथ्स कर लीजिएगा। 2022 में हमारी ग्रोथ रेट 7% थी, 2021 में 9% थी, 2020 में -6% थी और 2019 में 3.8% थी। एवरेज कितना हुआ पिछले 4 साल का? एवरेज हुआ अंडर 4%। एक मिनट रुक जाइए, आपने FDI पर मुझसे सवाल पूछा, अप्रैल टू नवंबर, एक मिनट, मैं तो आपको आंकड़े के साथ बता रही हूँ, सरकार के आंकड़े, NSSO के आंकड़े जिसके आधार पर बजट बनता है। आंकड़ों को किसी भी तरीके से देखा जा सकता है, अगर इसमें वो कोरोना काल वाला माइनस वाला निकाल दिया जाए, सरकार कह रही है कि पिछले 3 साल में लगातार 7% से ऊपर हम बने हुए हैं, वो 3 साल काउंट कर रही है, आप 4 साल काउंट कर रही है, 5 साल काउंट कर लीजिए, फिर भी आप 5% से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे। मैंने आपसे क्या कहा? लेकिन डिमोनेटाइजेशन के झटके के बाद जहां पहुंची थी इकोनॉमी, अब उससे आगे निकल गई है, वहां तो 6.9, अब तो 7.3। आपको ये ग्रोथ लग रही है? 5.9% एवरेज ग्रोथ है 10 सालों की, 6.8% पे दिया था, 58 रुपया दिया था, 84 पर पहुंचा दिया है। FDI का डेटा, ये तो RBI देता है ना, कोई मैं अपने घर से थोड़ी बना के आज सवेरे उठी तो चाय पकाने के बजाय डेटा पका लिया, आप लोग की थोड़े डोट डेटा पचिंग का काम करती हो। अप्रैल नवंबर 2022 का आंकड़ा क्या था? $20 billion FDI। अप्रैल नवंबर 23 का आंकड़ा क्या आया? $13 billion। ये लगातार गिर रहा है, 3 साल से गिर रहा है। आप ना मानिए वो अलग चीज है, ये आपकी सरकार के या RBI के या NSSO के आंकड़े। और आपने एक बड़ी बेतुकी बात की और थोड़ा सा आपको भी टोकूंगी, आपने कहा कोरोना काल, अरे तो 2008 में इतना बड़ा वैश्विक डिप्रेशन आया था, द वर्ल्ड हैड कंप्लीटली कोलैप्स, उसके बावजूद भी हमने 6.8% आपको ग्रोथ रेट दी, आपने घटा के 5.9। लेकिन इन्फ्लेशन भी काउंट कीजिए ना, हां, अब आपके इन्फ्लेशन जो 2008 में था और यहां कोरोना महामारी के समय में महंगाई काबू में, आपका अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया। इन्फ्लेशन अपने आप नहीं होता है, इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड विद रियल रेट ऑफ ग्रोथ। आपकी ग्रोथ जो है वो 4% है, इन्फ्लेशन आपका 6% पे है, एक बात। दूसरी बात, फूड इन्फ्लेशन क्या है? अभी जो आंकड़े आए हैं 10% पर फूड इन्फ्लेशन है, आटा दही बेसन पर GST लगाने का काम इन लोगों ने किया है, पढ़ाई पर, दवाई पर, अस्पताल की बेड पर, बच्चों की किताबों पर, पेंसिल पर GST लगाने का काम किया है। और वो इसलिए गड़बड़ है क्योंकि मैं, आप, मिडिल क्लास, धनाढ्य, गरीब सब एक रेट दे रहे हैं। आप हमेशा अमीरों के टैक्स क्यों कम करते हैं, आप क्यों नहीं GST के कम करते हैं? 50% क्रूड ऑयल कम हो गया पिछले 2 सालों में, यूक्रेन रशिया का युद्ध बताते थे, आपका पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ, क्यों नहीं कम किया? 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, आज भी एक्साइज का जिक्र हुआ, क्यों नहीं आप कम करते? एक बार कम करके झुंझुना बजाया, उसके बाद जबानी जमा खर्च, सुई पटक कर लिया। जवाब सुन, ये बताइए अमेरिका के 2 बैंक बैंकरप्ट हो गए कि नहीं, सिलिकॉन वैली और एक और, हमारा कोई बैंक बैंकरप्ट हुआ क्या? चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड कोलैप्स हो गई कि नहीं? हमारी कोई कंपनी कोलैप्स हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया में सुनामी आ गई, अगल बगल जहाज उलट पलट गए, जहाज वाले डह गए, ये कहते नहीं हिचकोले क्यों लग रहे हैं, इसके लिए सुनामी नहीं, जहाज का कैप्टन जिम्मेदार है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं, -9% से यहां तक लेके आए। एक मतलब आपने कहा था ना ज्योतिष के जानकार हैं, और वो अंदाज जो उनका है वो शायराना भी है, वो भी सामने निकला। शायरी छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था जो है हाँ, उससे मेरे आप गरीबों के घर के चूल्हे चलते हैं। बजट में नंबर कितना देंगे आप ये बताइए ना मुझे, इस बजट को आप कितना नंबर देंगे? 0 0। अब मुझे ये बताइए कि ये सरकार जो है वो चुनावी साल में ऐसा रिस्क क्यों लेगी जब इसको चुनकर आना है कि ये ऐसा बजट लाएगी जो जनता की नजर में 0 हो? ये जनता की नजर में 0 है या विपक्ष की नजर? सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दे, कश्ती संभाल के आ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, कृषि का बजट क्यों काट रहे हैं? 4.5% एज अ परसेंटेज ऑफ GDP था एग्रीकल्चर का बजट, काटकर 2.5% पर क्यों ले आए हैं? 30 किसान रोज की आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर जलेबी बलाना, लच्छेदार बातें करना, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाना ABP के लिए अच्छा है, आपकी TRP के लिए अच्छा है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी खड़े होकर सपाट झूठ बोल रही है कि 50% आय बढ़ गई है। भैया कहाँ बढ़ी है, किसकी बढ़ी है, दिखनी चाहिए ना। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आप शायद अपनी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाइएगा, गरीब की बढ़ेगी तो वो शायद एक दाल को छोड़कर दूसरी दाल भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा, वो नहीं हो रहा है। 74% लोगों को एक पौष्टिक आहार की थाली नसीब नहीं है,
जीएचआई में हम गिरते जा रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और बस अपना ढिंढोरा पीटते रहो। असलियत यह है, आप कर सकते थे अच्छा अगर आप मानते कि समस्या थी। आपने तो समस्या को ही झुठला दिया है, और उसका प्रमाण आज है। सुधांशु जी, मुझे सारी बातें छोड़ दें, चलिए सब छोड़ दीजिए, एक बात का जवाब दे दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और सामाजिक कल्याण के बजट को आपने क्यों घटाया है? आपने शिक्षा के बजट को घटाया है, कौन सी कश्ती कहां लेकर जा रहे हैं? आपने स्वास्थ्य के बजट को घटाया है, कहां लेके इस कश्ती को जा रहे हैं? जब भारत को विकसित होना है तो ये सारी चीजें होनी पड़ेंगी। सवाल भी साथ से सुन लीजिए, क्योंकि आज सुबह से ये गारंटी वाला बजट एबीपी न्यूज पर हम कवरेज कर रहे हैं। सर सुनिए तो, जुमलों की गारंटी, जितने वो सब ये उम्मीद कर रहे थे कि शिक्षा के अंदर कम से कम 6% तक लेकर जाया जाएगा बढ़ोतरी को, स्वास्थ्य बजट उसमें बढ़ोतरी होगी, इस तरीके की उम्मीदें थी, लेकिन वाकई में ऐसा क्यों हुआ? 8,000 करोड़ शिक्षा के बजट को घटाया है। अच्छा जवाब, स्वास्थ्य के बजट को, एक मिनट, 8,000 करोड़ शिक्षा के बजट को घटाया और स्वास्थ्य के बजट को करीब करीब 10,000 करोड़ घटाया। देखिए, वोट ऑन अकाउंट में एक स्वस्थ परंपरा को ध्यान में रखते हुए, नहीं जलेबी नहीं, अभी बता रहा हूँ अभी आपको, जो आपने टीआरपी कहा ना जनाब, आपकी टीआरपी इसलिए गिर रही है कि आप यहाँ बैठ के बोल रही हैं टीवी डिबेट पे। अगर आप कह रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत बोला है, 8,000 करोड़ क्यों कम किया भाई, ये बता दीजिए। जवाब सुन लीजिए ना, दर्शकों ने सुन, अगर वित्त मंत्री ने कहा है कि बढ़ा है और आप कह रहे कम हुआ, तो लाइए प्रिवेंट मोशन फॉर द हाउस पे, नहीं बोल पाएंगे, अभी डिस्कशन होगा बजट पे, बोलते जाएंगे, ढोल बजाते जाएंगे, झूठ बोलो लपेटो, आप ये देखिए झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ टीवी डिबेट में बैठ के बोला जा सकता है, सदन के पटल पर नहीं, जुमला कर दिया सदन के पटल पर, नहीं बोला जा सकता, जुमला कर दिया। अरे जुमला वीरो, बजट को तो बख्श देते, बजट को तो बख्श देते, आप सोर्स नहीं कोट कर पाए, एक भी सोर्स बोला तो मैंने सारे सोर्स वाला कोट कोट किया, आप क्या साल में मैं ले गया, इसलिए हम आपसे कर पाए, आप मैंने तो सारे सोर्स कोट किए, आप मेरे एक मैंने डिस्टर्ब किया आपको, मैंने डिस्टर्ब किया। सुप्रिया जी, जब आप बोल रही थी उन्होंने एक बार नहीं, एक बार भी डिस्टर्ब नहीं, सुन लीजिए मैं दोबारा आपके पास आ रही हूं, मतलब सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आ रही हूं, दोबारा आ रही हूं, सुन लीजिए। दो दो बड़े बड़े दिग्गज अर्थशास्त्री हैं, चिदंबरम जी और मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में हैं, लाइन अप प्रिविलेज क्वेश्चन एफएम के अगेंस्ट किया, आपने गलत बोला है, नहीं ला पाएंगे, यहां बैठ के झूठ झूठ चिल्लाएंगे। होता यहां पे कोई आंकड़ा लेकर, कोई कहता 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, कोई कहता 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, ये सब जुमले आपने खूब सुने होंगे, जुमले यही है ना, ये बताइए 50 साल के अंदर वो भी जुमले, 2 करोड़ रोजगार है, 15 लाख हर बैंक अकाउंट में है, तो ये विदाई वाला बजट जो है ये किसकी, विपक्ष की विदाई वाला बजट तो नहीं फिर से बन रहा सकता है। अब सुनिए, चुनाव में किसकी विदाई होगी ये जनता तय करेगी, मगर इंडी गठबंधन की तो विदाई हो गई, इंडी गठबंधन की विदाई चुनाव से पहले हो गई, बजट से पहले हो तो जनता, वो कह रहे हैं आपकी विदाई वाला, और अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी यहाँ पर बैठकर मेरे एक आंकड़े को डिस्प्यूट नहीं कर पाए, सोर्स कोट किया, पीएलएफएस सरकार का सर्वेक्षण होता है, वित्त मंत्री सरकार की खड़े होकर बोल रही है, दो अलग अलग आंकड़े सरकार ही दे रही है, तो दोनों में से एक तो कोई गलत आंकड़ा, प्रिविलेज मोशन लाएंगे, रोमाना जी आप एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार है, मैं बोल रही हूँ सरकार का पीएलएफएस ये कह रहा है, सरकार की वित्त मंत्री ये कह रही है, प्रिविलेज मोशन हम ले आए आप क्या करिएगा और ये क्या करेंगे, प्रिविलेज मोशन हम ले आए आप क्या करिएगा और ये क्या करेंगे, भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो, बताइए मुझे झूठ क्यों बोला जा रहा है, मैंने तो हर आंकड़े को, एनएसएसओ का डेटा को आप झूठ बता रहे हैं, मतलब एनएसएसओ देश को भ्रमित कर रहा है, छोड़िए इन बातों को, अभी भी सुधार, फिर तो ये नहीं बता रहा है, डेटा भी मानिए ना, वहां पर किस तरीके से रोजगार बढ़ रहे हैं जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। बढ़िया आपने सवाल पूछा, मुझे नहीं पता आप इकोनॉमी ट्रैक करती है कि नहीं, लगता है करती है, आपकी एक संस्था है उसमें 20 लोग हैं अगर, तो आपको ईपीएफओ में रजिस्टर करना है, 19 है तो नहीं करना है, तो अगर एक बढ़ गया तो वो 20 काउंट हो जाते हैं, अगर रोज, आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, रोजगार बढ़ रहा है, कंजम्पशन सब ठीक है, चकाचक इकोनॉमी है, बढ़िया सब चल रहा है, तो भाई एचयूएल अपना साबुन तेल कंघी मंजन क्यों नहीं बेच पा रहा है, पार्ले जी और ब्रिटानिया के 5-5 रुपए के पैकेट क्यों नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि इनके धनाढ्य लोग नहीं खरीद रहे, गरीब नहीं खरीद पा रहा है, असलियत ये है, और ये सारी बातें छोड़ दीजिए, सुधांशु जी एक बात का जवाब दे, एचयूएल तो बम्बा में, उसका तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके तो शेयर मार्केट के अंदर दैट्स द प्रॉब्लम रोमाना, आपको इसका मतलब आप ट्रैक नहीं करती है, एचयूएल अपना सेल 2.2% कम दिखाया है, जो एचयूएल की हिस्ट्री में पहली बार है, आईटीसी का ग्रोथ स्टैग्नेंट है, ब्रिटानिया ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, ट्रैक करिए, आईटीसी का तो अभी लेटेस्ट आया है और उसकी ग्रोथ में तो इजाफा हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर स्टैग्नेंट ग्रोथ है, अगर आंकड़ा है तो बात करिए मुझसे, आंकड़ा नहीं है तो जबरदस्ती मत लजिए आप, करा ली बेइज्जती, इन बच्चों को बता दीजिए, यहाँ पर बैठे युवा को बता दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण का बजट 8-8, 10-10 हजार, 6-6 हजार करोड़ क्यों काटा है, इसका जवाब अगर दे सकते वो फिर कह रहे हैं, चलिए सुन लीजिए,
कार्रवाई में कहिएगा ना, सदन की कार्रवाई में नहीं कहेंगे, यहाँ कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी लायबिलिटी नहीं होती, सदन में गलत बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, कहा जाता है कि सबूत रखना पड़ेगा। सुधांशु जी, किसी आइए मत सुनिए, शिक्षा का रिवाइज बजट 2024 का 1,08,878 करोड़ है, आवंटित कितना था 1,16,447 करोड़, कम खर्च किया। स्वास्थ्य का आवंटित बजट था 88,956 करोड़, खर्चा किया 79,221 करोड़। एग्रीकल्चर का सुनना चाहते हैं, आवंटित बजट था 1,44,214 करोड़, खर्चा किया 145,000 करोड़। प्रिविलेज लाइएगा, अरे शर्म करिए, आंकड़ों से बोल रही हूँ, झूठ तो मत बोलिए। ठीक है, रिवाइज एस्टीमेट बजट एस्टीमेट का यहाँ पर वो आंकड़े रख रही हैं। क्यों कहा? ठीक है, आई होप आप अंतर जानते हैं रिवाइज और बजट एस्टीमेट में, नहीं आना चाहिए था, पर बताइए आप, आई होप आप आर और बी का अंतर जानते हैं। भाई सुनिए तो, शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट का सब्जेक्ट है कि सेंट्रल सब्जेक्ट है, बोलिए, शिक्षा कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। शिक्षा का बजट होता है क्या? आप तो बिल्कुल समझते ही नहीं है, बजट कहाँ बुला लिया। चलिए छोड़िए, समय बिल्कुल मेरे पास कम है सर, मुझे बड़ा बता दीजिए, ये गारंटी वाला बजट जो 400 पार वाला लक्ष्य लेकर चल रहा है वो पार होगा या नहीं होगा? गारंटी वाला बजट 400 पार वाला लक्ष्य पार करवाएगा या नहीं? समझ किसकी कितनी है वो साफ हो गया, जिन्होंने कहा कि प्रिविलेज नहीं लाएंगे यहीं पे बोलेंगे क्योंकि झूठ बोलकर निकल जाएंगे। और अभी तक भाई फिर देखिए कौन डिस्टर्ब कर रहा है, सब अपनी बात पूरी, सबको दिख रहा है, इसीलिए अभी तक मनमोहन सिंह बोले ना, चिदम्बरम बोले, सबसे ज्यादा यही बोल रही है, मतलब ये कह रही है कि उनसे ज्यादा बड़ी बड़ा ये ट्रैक कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का बजट नहीं कम हुआ है भाई, अगर आप कहें तो। अच्छा, ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सात आईटी सोर्स कोड करिए ना, अगर सरकार ने किया है आप एफएम वगैरह साबित करिए, ये हवा में बगैर सोर्स के आप बोलने लगते हैं। मैंने आपसे 3.2% पूछा तो आप नहीं बता पाई, मैंने पिच बोला सर, ये गारंटी 400 पार वाली जा रही है या नहीं? जी जी, आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, जल्दी जल्दी। आप लगातार मेरे में डिस्टर्ब कर रही हैं, मैंने आपके में नहीं डिस्टर्ब किया, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ इन्हीं सब चक्कर झांसेबाजी के चक्कर में तो जनता आपको घन चक्कर बनाए चली जा रही है, क्योंकि आप कहती जो है वो हम बोलेंगे नहीं, जो नहीं है वो हम बताने की कोशिश करेंगे, और आप ऐसा समझाती हैं कि दूसरे को समझ में नहीं आता है। तो जनता किसको घन चक्कर बनाएगी, चुनाव में फैसला होगा, फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, गलत है, आप बिल्कुल ऐसे शो नहीं कर सकती है, नोबडी कैन हैव द लास्ट। कौन जा रहा है भाई? नो, आपने अपनी सोच बता दी है, यू हैव ऑलरेडी ज्यादा बोला है, कौन ज्यादा डिस्टर्ब किया, बजट एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट आपने रद्द कर दिया, लेकिन आपने तो भाई, अरे मैंने एक बार, आप क्या ऐड ऑन करेंगे, आप क्या ऐड ऑन करेंगे उसमें बताइए मुझे, क्या ऐड ऑन करेंगे आप? आप कहिए ना, आप कहिए क्या ऐड ऑन करना चाहती हैं, आपने ऑलरेडी बता दिया वो बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट है। ये मुझसे पूछ रहे सोर्स क्या है? सोर्स बजट एट अ ग्लास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है। तो बिल्कुल वही तो आप पहले कह चुके हैं, आपको पहले कह चुके हैं भाई, बी और आर कहां आता है, कितनी ये बिल्कुल बेकार की बात है, आप पहले ही बता चुकी है वो बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट है, पहले ही आप जानकारी दे चुके हैं दर्शकों को, इसमें मुझे नहीं लगता है कि बेकार में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप अंतरिम बजट पर ये जबरदस्त टक्कर देख रहे थे पक्ष और विपक्ष के बीच, नौकरी के नाम पे कर रहे हो तुम, अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने हाथ को इस तरीके से रखिए, इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा, बी एंड डी, बी फॉर थोड़ी मदद रखिए, वे मैं तो तेरा मन पर आ।